देखो जो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये 2016 का जो ईयर है, इसके अंदर हमको देखना है कि इसका लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। आप इसको अगर 2 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा 0, और ये 2 डालेंगे एक्स टेंड टू 2 है ना, तो 4 - 4 0, तो ये नॉट जो है एग्जिस्ट हो जाएगा। या इस तरीके से जो है लिमिट निकालना ठीक नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ये, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है ना। इस लिमिट को लेट द लिमिट बी एल, तो इसको कर देते हैं कि एल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लिमिट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन, ठीक है, तो एक्स प्लस 2, और एक्स माइनस 2 जो है उसको भी दो बार लिख लेते हैं रूट के हिसाब से, क्योंकि एक्स माइनस टू रूट में दो बार आएगा तो एक्स माइनस टू ही होता है, ठीक है। और इसमें से हम लोग जो एक एक कैंसिल कर सकते हैं, उसका रीज़न ये देंगे कि एक्स टेंड्स टू 2 है तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 होगा। एक्स नॉट इक्वल टू 2 होगा तो ये कैंसिल करना सही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट कर लेने के बाद आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो ये वैल्यू डालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो अब तो ये 0 नहीं है ना, ये 0.0 था, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 × 4 विल बी ए 0 हो जाएगा, और 1/0 विल बी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन डी।